हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी बेस में निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 506 आर्मी बेस के द्वारा अप्रेंटिस के विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसकी योग्यता है वो ITI पास आउट रखी गई है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली गई है फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, कोपा और इलेक्ट्रीशियन जैसे पदों के लिए निकाली गई है। अभी पोस्ट की संख्या है वो आर्मी बेस द्वारा डिस्क्लोज नहीं की गई है, लेकिन इसका ऑफलाइन अप्लीकेशन फॉर्म है वो 23 सितंबर 2023 तक भरा जाएगा। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स के पास ITI पास आउट की योग्यता है और जो 506 आर्मी बेस में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, वो इसका ऑफलाइन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको इसका जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में और जो ऑफलाइन फॉर्म है उसका फॉर्मेट आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सारी अपडेट आपको वीडियो अपलोड होती मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये 506 आर्मी बेस वर्कशॉप जबलपुर के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो कि जिसका सब्जेक्ट है फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस फॉर ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द ITI ट्रेंड कैंडिडेट पास आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट ITI। इसमें जो इन कैंडिडेट ने गवर्नमेंट ITI से ITI पास आउट करे कि वहीं इसमें अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। नीचे ट्रेड दिए हैं, इनको 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक के लिए अप्रेंटिसज के पदों पर रखा जाएगा। इनमें पदों की अपन बात करें तो सबसे पहले फिटर है, फिर वेल्डर है, गैस एंड इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट है, कोपा जिसको कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट करें, इनकी टोटल पोस्ट है। अप्लीकेशन वो 506 आर्मी बेस जबलपुर में 23 सितंबर 2023 तक पहुँचनी जरूरी है, जिसका फॉर्मेट इस अप्लीकेशन इस नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है और अलग से भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो आपको इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने वो हम आपको बता देता हूँ। मेडिकल सर्टिफिकेट है और अटेस्टेड कॉपी है वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट से 10th और 12th की, और ITI पास आउट के सर्टिफिकेट होने जरूरी, आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, आपने जो अप्रेंटिसशिप का जो रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसकी कॉपी है वो इसके साथ होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको इसके साथ अटैच करना है। इसके साथ ही आपको दो सेल्फ अटेस्टेड सेल्फ एड्रेस के जो लिफाफे हैं जो जिसकी कीमत है वो 10 रुपये होनी चाहिए, वो आपको इसके साथ अपने पोस्टल ऑर्डर के साथ साथ भेजने, क्योंकि कोई भी इंटीमेशन जब आपको दिया जाएगा तो उन्हीं पोस्टल ऑर्डर के थ्रू आपको इंटीमेशन दिया जाएगा। यहाँ पे फिर नोट दिया हुआ है, देन लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी डिस्प्लेड ऑन द 506 आर्मी बेस वर्कशॉप मेन गेट। तो जो लिस्ट है फाइनल सिलेक्शन की वो 506 आर्मी बेस वर्कशॉप के मेन गेट के ऊपर ही चिपकाई जाएगी। जो यहाँ पे ट्रेड्स दिए हैं उनमें चेंजेस किया जा सकता है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है 506 आर्मी बेस वर्कशॉप एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अप्रेंटिसशिप। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो आपका नाम फिलअप करना है, फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, यहाँ पे फोटो आपको चिपकानी है, फिर जेंडर डालना है, फिर DOB डालनी है, फिर ईमेल ID डालनी है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर डालने है, फिर किस ट्रेड के लिए अप्लाई करें वो डालने, फिर आपका एड्रेस डालना है, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले आपको हाई स्कूल या 10th क्लास की डालनी है, ड्यूरेशन डालना है किस साल में आपने किए, मार्क कितने प्राप्त किए, मैक्सिमम टोटल मार्क्स कितने थे, परसेंटेज कितनी है, स्कूल और ITI जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम डालना है, फिर आपको इंटरमीडिएट की डालनी है, फिर ITI की डालनी है, नीचे डिक्लेरेशन दी हुई है, डिक्लेरेशन आपको एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो अटैच किए हैं उसके आपको टिक लगाना है, 10th 12th और ITI का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन डन ऑन स्किल इंडिया पोर्टल, यानी पोर्टल है जो अप्रेंटिस इंडिया के ऊपर आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है उसकी कॉपी आपको लगाना, मेडिकल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद नीचे आपको डेट डालनी है, प्लेस डालना है और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ ट्रेनर डाल के आपको नाउ एंटर करना है। तो दोस्तों, ये फॉर्म है आपको भर के और 506 आर्मी बेस वर्कशॉप जबलपुर के एड्रेस पे भेजना होगा, तभी आपको इस जो प्रोसीजर है उसमें सम्मिलित किया जाएगा। 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद में आपके जो फॉर्म है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आप इस प्रकार से इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब इसका लिंक फॉर्म है ये तो नोटिफिकेशन दिया, अब इसका एक्चुअल फॉर्म है वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि उसका फॉर्मेट क्या है। दोस्तों, ये आप देख सकते हो 504 RBS वर्कशॉप अप्लीकेशन फॉर्म है वो दिया हुआ, जिसकी PDF हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगी। ये देख सकते हो, आपको इसको व्हाइट पेज के ऊपर, A4 पेज के ऊपर डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको इसको अच्छी राइटिंग में फिलअप करना है बिना किसी कांट छाट के, उसके बाद में आपको उसको एनवलप में डाल के उसके साथ 2 एनवलप आपको और डालने, फिर आपको यहाँ पे भेजना है। इसका एड्रेस आपको दिया हुआ है 506 आर्मी बेस वर्कशॉप जबलपुर के ऊपर, आपको उसको
भेजना होगा, उसके बाद में ही आपको इस ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। ये एक साल की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग है वो खत्म कर दी जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।